अकबर के दो वजीर थे, एक का नाम था मुल्ला बीरबल और दूसरे का नाम था पंडित तो प्याजा। फिर भूल गया। अकबर के दो वजीर थे, एक का नाम था मुल्ला दो प्याजा और दूसरे का नाम था पंडित बीरबल। अकबर ने एक दिन बीरबल से सवाल किया। बीरबल से सवाल किया, छोटे चाचा, एक सवाल का जवाब दोगे? क्यों नहीं, मैं मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब दे सकता हूँ। कुछ अच्छा, तू ये बताओ, हम जो भाषा बोलते हैं उसे मातृभाषा क्यों कहते हैं? मातृभाषा यानी मदर टंग। भाषा मदर टंग। ए मिठू, कहाँ से ढूंढ के लाया है सवाल? बच्चों को ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। चलो अपनी जगह पे जाके बैठो। चलो यूं बोलो चाचा, मैं जवाब आता ही नहीं। चल, मुझे क्या नहीं आता? मदर टंग तो मदर टंग, मैं फादर टंग भी जानता हूँ। नहीं चाचा, तुम्हें कुछ भी नहीं आता। जैसे तुम्हें बहुत कुछ आता है। अच्छा तुम बताओ, भाषा को मातृभाषा क्यों कहते हैं? बताओ। देखो चाचा, घर में राज किसका होता है? माँ का ना। बात किसकी चलती है? माँ की ना। इसलिए भाषा को मातृभाषा कहते हैं। कुछ आया अकल में? अच्छा, अब समझा कि ये पट्टी तुझे किसने पढ़ाई? हाँ, चल खड़ा हो जा। कान पकड़, पकड़ कान। चाचा, आज मैंने कुछ तुम्हें पढ़ाया है। मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मुझे प्रणाम करो। नमस्कार महाराज, नमस्कार। अब आप यहाँ से पधारिए और मुझे कुछ पढ़ने दीजिए। बोल तो यूँ रहे हो जैसे बहुत बड़े विद्यार्थी हो तुम। बहराम डाकू के नॉवेल के सिवा कभी कुछ पढ़ा है तुमने? तू तो समझती कि सब तेरे जैसे अनपढ़ है। अपना नाम भी लिखना आता है तुझे? आता है या नहीं, लेकिन तुझे जरूर पढ़ा सकती हूँ। जा जा। बिल्ली शेर को क्या पढ़ाएगी? बिल्ली ने शेर को सब कुछ पढ़ाया था, लेकिन दरख्त पर चढ़ना नहीं सिखाया था। अच्छा, आज मालूम हो गया, तू जरूर किसी चिड़िया घर से भाग कर आई है। चल जा यहाँ से, इस मिट्टू को भी अपने साथ ले जा। मैं बिल्ली तोतों से बात नहीं करता। चल जाना, चलो। टाई लगा के, टाई लगा के माला बन गए जनाब हीरो। रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो। Party hard.
गुल्ला खा के माला बन गई।